हाय डियर कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. और मैं आज लव रीडिंग कर रही हूँ, रिलेशनशिप रीडिंग कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स के लिए फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर 2020. लेट्स सी आप और आपके पार्टनर्स रिलेशनशिप के बारे में क्या फील कर रहे हैं और जो आउटकम है वो क्या आने वाला है और जो गाइडेंस है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगी वो क्या आने वाली है. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप राइट नाउ विद योर पार्टनर. सी, this is your energy, this is your partner's energy, and this is the outcome. Let's keep it here. Okay, so Capricorn, let's see. And let me shuffle once again because what I feel is कि कई बार जो है ना shuffling सही से नहीं होती है ना, तो previous reading के आपको cards बहुत सारे मिल जाते हैं. So let me shuffle once more. I want to do a best reading for your Capricorn. मैं नहीं चाहती कि किसी की भी रीडिंग गलत आए और फिर उस बंदे को गलत गाइडेंस जाए और मेरी तरफ से वो भी. सो आई डोंट लाइक इट एट ऑल. सो लेट्स सी. शफलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कैप्रिकॉर्न, क्योंकि अगर आप शफलिंग नहीं करते तो रीडिंग अच्छे से नहीं आती है. देन यू नो फिर लगता है कि यार नहीं, दम नहीं है चीज में, है ना. दैट्स द थिंग. ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ. ओके कैप्रिकॉर्न, जो आप हैं इस रिलेशनशिप को और या अपने पार्टनर को आप इस नजरिए से देख रहे हैं. आप अभी बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हैं कैप्रिकॉर्न, आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है. ये कप्स है ना और उसमें बहुत सारी चीजें हैं. ये बेसिकली ना ग्रीडीनेस होती है. आप किसी चीज को लेकर ग्रीडी हो रहे हैं. आपको लग रहा है यार ये भी चीज ले लेता हूँ, ये भी चीज ले लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ. एक साथ आप बहुत सारी चीजों में ना पैर फंसा रहे हैं. एक साथ बहुत सारी चीजों में आपका जो है फोकस वो जा रहा है, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज से मुझे नजर आ रहे हैं. लेकिन इस रिलेशनशिप के प्रति मैं बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत होने वाली है. आप इस रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देना चाह रहे हैं. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट करके, बहुत सारी नेगेटिविटी सॉर्ट आउट करके एक यू नो फिजिकल अट्रैक्शन वाला मुझे ज्यादा इसमें वो दिखाई दे रहा है. फिजिकल अट्रैक्शन वाला जो है बिगिनिंग मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है. हो सकता है कि आप फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी के प्रति अभी आपका ध्यान है और उस चीज में आपका यू नो एक नई बिगनिंग होने वाली है, जो मुझे लगता है कि काफी कई बार क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते रहते सारी चीजें एकदम मर सी जाती हैं. तो मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत ऐसी होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, जो आप खुद से आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेके. अभी आप फील कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत की आपको जरूरत है और वो आप उसका यू नो आप उसके लिए स्टेप उठा रहे हैं. एंड उसके बाद ये देखिए फोर ऑफ वांड्स, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ कुछ. मुझे लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आपके पास आ रही है, या शादी की एनिवर्सरी आ सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, आपका यू नो कमिटमेंट दे सकते हैं आप अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं. देयर इज सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस अराउंड दिस रिलेशनशिप जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. लेट्स सी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं. वेरी नाइस. एस ऑफ वॉन्ड्स, यही मैं आपको बोल रही थी, फिजिकल अट्रैक्शन का जो मैं बोल रही थी आपको. एस ऑफ वॉन्ड्स इज डायनेमिक एनर्जी. दिस इज काइंड ऑफ बिगिनिंग की जहाँ पे ना एनर्जी बहुत होती है, डायनेमिक्स बहुत होता है, जिसपे यू नो कि पार्टनर एक होता है ना एनर्जेटिक एकदम से हो जाते हैं. कुछ ऐसा आप हैपनिंग सा करने वाले हैं. मुझे लगता है कहीं आप टूर पे जाने का सोच रहे हैं, आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं टूर का, और या फिर ट्रैवल कहीं आप करने वाले हैं जहाँ बहुत सालों से नहीं गए हैं. मे बी कोरोना टाइम में आप कहीं जा नहीं पाए, तो अभी आप लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि बाहर जाया जाए और इस रिलेशनशिप को ना यू नो और आगे अच्छा बनाया जाए. एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल इमोशंस कमिंग अप. एस्पेशली आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यू नो डायनेमिक्स, बहुत सारी एनर्जी भरना चाहते हैं, और वो इस रिलेशनशिप को भी बहुत प्यार से देख रहे हैं. और ये नई शुरुआत है प्यार की कई लोगों के लिए. हो सकता है कि नया प्यार आपकी लाइफ में आने वाला हो. जैसे कि मैं ये कार्ड देख रही हूँ, ये कार्ड दिखाता है, दिस इज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कि देयर इज डेट एंड देयर इज समथिंग एंडिंग इन द रिलेशनशिप एंड देयर इज अ रिन्यूअल ऑफ द रिलेशनशिप अगेन. तो हो सकता है आप अपने पहले वाले पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप ऑलरेडी हैं, उनके साथ आपकी बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हो रही है. बहुत सारी चीजें जो है जो गलत सी हो गई थी, जो रुक सी गई थी, जो जिनका डायनेमिक्स हो गया था, वो सब चीजें जो जो है ना अचानक से एकदम से नया किक स्टार्ट ले लेंगे और आपका रिलेशनशिप जो है ना अच्छा हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ. आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा अपना एनर्जी डाल रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस डाल रहे हैं. तो बोथ साइड, इट इज लाइक बोथ साइड्स आर डूइंग देयर ओन वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एंड देयर इज समथिंग दैट इज एंडिंग अप. मुझे लगता है ये नेगेटिविटी है जो आपकी लाइफ से जा रही है, या फिर कुछ टॉक्सिक था आपके रिलेशनशिप में वो खत्म हो रहा है और अचानक से एक नई शुरुआत हो रही है. और एस दिस इज
ब्रांड न्यू बिगनिंग विद यू फॉर यू. सो हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, कोई नया एकदम ब्रांड न्यू बंदा भी आपके लाइफ में आ सकता है. और वो ब्रांड न्यू बंदा आपकी लाइफ में तब आ रहा है जब आपके रिलेशनशिप से पिछले वाले से आप खत्म कर चुके हैं और अब आप एक नई बिगनिंग के लिए शुरू हैं. आई मीन आप एक सोलमेट की तलाश में हैं, आप उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपके जो पार्टनर हैं, जो कमिंग पार्टनर हैं, जो आ गए हैं आपकी लाइफ में ऑलरेडी, अभी कुछ रिसेंटली आए हैं, वो भी इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से देख रहे हैं और जो टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से, वो धीरे धीरे हटती जा रही है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. एंड लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या इसका होने वाला है. लॉन्ग टर्म फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि दिस इज एट ऑफ कप्स. तो आप किसी चीज से, मुझे लग रहा है ना कि यही है, पास्ट रिलेशनशिप से आप पीछा छुड़ा के अपना आगे बढ़ रहे हैं. आप पास्ट की चीजों को पीछे छोड़कर आगे चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न. एंड आप जो कंफ्यूज थे, जो आप परेशान थे, जो आप हताश थे एक रिलेशनशिप को लेके, इमोशनली जो आप परेशान हो रहे थे किसी चीज को लेके, वो चीज धीरे धीरे घटती जा रही है क्योंकि दिस इज अ प्रीस्टेस कार्ड. प्रीस्टेस जो होते हैं, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. वो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, अपने अंतर मन की सुनती है. तो मुझे लग रहा है कि आपने अंतर मन की सुन के एक नई शुरुआत की है अपनी लाइफ में. एक नए पार्टनर को आप अपनी लाइफ में लेकर आ गए हैं और जो नए पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं वो आपके पुराने जो दर्द थे, पुराने जो दुख हैं, उनको आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं. सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज अ वेरी वेरी गुड एनर्जी. और आप भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में एक अच्छी सी नई सी शुरुआत करके आपकी इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं. और आप दोनों ही बहुत ही एनर्जी और बहुत ही डायनेमिक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हो सकता है आप नियर फ्यूचर में अभी बाहर जाने वाले हों, घूमने फिरने जाने वाले हों, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हों. दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग कैप्रिकॉर्न. आई होप ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी क्योंकि मुझे ये भी फील होता है कोरोना के बाद, तो मुझे लगता है कि अब अगर चीज़ें खुल गई हैं तो ज़्यादातर लोग बाहर घूमने का सोचेंगे जो इतने दिनों से कैद थे. सो लेट्स सी एंजल्स आपके बारे में, आपके इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एडवाइस क्या दे रहे हैं एंजल्स आपको अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप और अबाउट योर इमोशनल एनर्जी. वी कैन से दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग, राइट? ओके, सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप और टू स्टार्ट अ न्यू, यू नो, यू कैन से बिजनेस एज वेल, बट ये लव रीडिंग है तो हम लव की ही बात करेंगे. तो आप एक नए रिलेशनशिप में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है. ब्यूटीफुल आपके लाइफ में इमोशंस आने वाले हैं, ब्यूटीफुल डायनेमिक्स आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में एनर्जी आने वाली है. सो कैप्रिकॉर्न, इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग सही जा रही है. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज लाइक आई नीड सपोर्ट वेरी वेरी मच राइट नाउ. एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड शेयर विद योर फैमिली हु बिलीव्स इन टैरो कार्ड्स. एंड या thank you so much for listening to me and God bless you, sending love and healings to you guys. Namaste.